और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर पहुंचकर एक भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, जिसमें 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण कर पूजा अर्चना की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। 108 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना करने के साथ पूजा अर्चना की, जनता को संबोधित किया और साथ ही साथ मंदिरों के महत्व के बारे में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया। आपको बता दें कि हनुमान मंदिर के साथ ही और भी देवी देवताओं की भव्य मूर्तियों का अनावरण किया गया है। मंदिर की भव्यता की बात करी जाए तो काफी भव्य रूप से सजावट देखने को मिली मंदिर की। सीएम के आगमन के चलते जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो भी काफी चाक चौबंद दिखाई दी। साथ ही महंत का धन्यवाद भी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। और इस खबर में हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता नितिन कुमार जुड़ चुके हैं। नितिन, मंदिर में 108 फीट ऊंची मूर्ति की स्थापना करी गई है, अनावरण किया गया है और जो भव्यता की बात करी जाए तो इससे काफी आकर्षण का केंद्र बनता नजर आ रहा है मंदिर। क्या जानकारी है इस मंदिर के बारे में? देखिए, इस मंदिर के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो ये बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार का जो काम था वो नहीं हो पा रहा था। इस सरकार में इसका जीर्णोद्धार का काम हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस यहाँ पर मंदिर में आए थे और मंदिर में उन्होंने जो मूर्तियाँ हैं उन मूर्तियों का अनावरण किया, शिलान्यास किया है। सबसे अहम चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो मंदिर है, इस मंदिर का नाम है हनुमान धाम मंदिर, जो कि गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है और इस मंदिर में करीब 1.25 लाख से ज़्यादा जो है वो देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया है, मंदिर की जो मुख्य प्रतिमा है उसका। और बिल्कुल ठीक, मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँ कि उस मूर्ति को भी मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो मूर्ति है वो बिल्कुल हमारे पीछे है, जिस मूर्ति का अनावरण अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। और अब लगातार जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु यहाँ पर आकर के हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं। इस मूर्ति के अलावा अन्य प्रतिमाएँ हैं, उन प्रतिमाओं का भी अनावरण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है, जिसमें राम सीता लक्ष्मण जी की हैं, कई सारे ग्रहों की मूर्तियां जो हैं उनका भी अनावरण किया गया है। अलग अलग जो प्रतिमा की तरफ से किया गया है। और साफ तौर पर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वो उसको छोटा काशी कहा जाता है, क्योंकि ये भी मंदिरों का शहर है। जिस तरह से काशी को मंदिरों का शहर कहा जा सकता है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भी मंदिरों का शहर कहा जाता है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लगातार जो श्रद्धालु हैं वो एक एक करके पूजन अर्चन इस वक्त कर रहे हैं, हनुमान जी की इस प्रतिमा का लगातार वो दर्शन कर रहे हैं। और लगातार उनके तरफ से प्रयास है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो मंदिर हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उनका अनावरण, उनका शिलान्यास, उनका जीर्णोद्धार होता रहे। एक और अहम चीज़ मैं आपको शिखा यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इकाना स्टेडियम को जिस व्यक्ति ने जो डिज़ाइन किया था, सजाया था, उनका नाम है उदय सिन्हा, और उन्हीं की तरफ से इस मंदिर को भी डिज़ाइन किया गया है। इसका जो जीर्णोद्धार का जो कार्यक्रम है उन्हीं की तरफ से किया गया है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अपर्णा यादव इस वक्त आई है। मैम, अपर्णा मैम लाइव है। मैम क्या कहना चाहेंगी इतना बड़ा कार्यक्रम आज राजधानी लखनऊ में? मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ और लखनऊ शहर को बहुत, इस लक्ष्मण नगरी को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि भगवान की मूर्ति यहाँ पे विजय सिन्हा जी और उनके पूरे परिवार ने यहाँ पर काम किया है। और हम सभी जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ पे, जो भी हमसे मिल करके हो पाया है इस मंदिर के लिए, जीर्णोद्धार के लिए, मैं समझती हूँ ये हमारा परम सौभाग्य है। और उससे भी बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि गोमती बाबा जो यहाँ के महात्मा हैं, जिन्होंने अपनी इस पूरी ज़मीन को और पूरी तरह से अपने ट्रस्ट को जो है समर्पित किया है इस मंदिर के लिए, मैं समझती हूँ यही अभी आदरणीय अवधेशानंद स्वामी जी ने, जूना पीठाधीश्वर जी ने भी यही बोला, इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करिए, मेरे गुरु हैं। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि प्रदेश के मुखिया, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हम सबके नेता, हम सबके बड़े, हम सबके अग्रज, हम सबके जो है मुख्यमंत्री जी ने इसका भूमि पूजन किया है। तो मैं हर व्यक्ति को हनुमान जी के आशीर्वाद के लिए मैं समझती हूँ कि यहाँ पर आना चाहिए और हम सभी को बहुत खुशी है इस बात की। मैम, छोटा काशी भी कहा जाता है राजधानी लखनऊ को, क्योंकि ये भी मंदिरों का शहर है, तो क्या उम्मीद लगाई जाए कि इसी तरह से जीर्णोद्धार अन्य मंदिरों का भी उत्तर प्रदेश और राजधानी में? देखिए, सनातन संस्कृति परंपरा को बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास हम सभी की तरफ से हुआ है आज ये पहली बार,
और मैं समझती हूँ कि अपर्णा यादव का ये संकल्प होगा कि आगे भी जो पुराने प्राचीन मंदिर हैं उसको भी हम लोग इसी प्रकार से जो है बढ़ाते रहें और उनका भी जीर्णोद्धार धीरे धीरे कराते रहें। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये देखिए, साफ तौर पर अपर्णा यादव जी इस वक्त हमारे साथ थी और उन्होंने साफ तौर पर इस चीज़ का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार इस तरह के जो मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार हो सकता है, कराया जा सकता है, उनका जीर्णोद्धार हम कराते रहेंगे। शिखा जी, नितिन, जिस तरह से मंदिर की भव्यता हम देख पा रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह से इसका कायाकल्प किया गया है, और साथ ही साथ हम ये भी जानकारी चाहेंगे कि इस आज के कार्यक्रम में और कौन कौन से बीजेपी के मुख्य अतिथि शामिल रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ। देखिए शिखा, मैं दूसरे सवाल पर पहले आऊंगा कि कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। तो जो जिन्होंने इस मंदिर को डिज़ाइन किया है, उदय सिन्हा जी, उनकी तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वो यहाँ पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद थे, फिर थोड़ी देर पहले वो भी बाहर निकले। पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन भी इस कार्यक्रम में आए हुए थे, उन्होंने भी शिरकत की थी। विधान परिषद के सदस्य पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डी के ठाकुर भी इस कार्यक्रम में सीनियर अधिकारी थे, वो इन कार्यक्रम में मौजूद थे और उन्होंने कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ा दी थी। अब पहले सवाल की बात करी जाए तो मंदिर के बारे में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। शिखा, पहले तो ये मंदिर का मुख्य जो मुख्य मूर्ति है जिसकी आपसे थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनावरण किया है, हनुमान जी की प्रतिमा का, और इसके अलावा कई सारी और जो प्रतिमाएं हैं उनका भी अनावरण यहाँ पर किया गया है। मंदिर के अगर बाहरी हिस्से की अगर बात करी जाए तो मंदिर बाहर से साफ तौर पर दिखता है कि प्राचीन मंदिर है और इसकी भव्यता जो है वो देखने को भी मिलती है। भव्यता अगर मैं आपको दिखाऊं तो किस तरह से ये मंदिर बाहर कैसे दिखता है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। शिखा, ये देखिए, मैं इस वक्त मंदिर के बाहरी हिस्से में आया हुआ हूँ और ये एक गणेश जी की प्रतिमा है जो मुख्य द्वार पे लगी हुई है, गणेश जी की प्रतिमा। और इसके अलावा अगर मंदिर की अगर हम रूपरेखा या मंदिर की मंदिर बाहर से कैसा दिखता है तो ये देखिए, कहीं ना कहीं इसमें जो बनारस की मंदिरों की जो छाया है वो दिखाई दे रही है। बनारस शंकर जी की प्रतिमा, देखिए सबसे ऊपर शंकर जी की जो प्रतिमा है मंदिर में वो लगाई गई है और कितनी भव्य शिवलिंग के साथ शंकर जी की ये जो प्रतिमा है वो इस वक्त इस मंदिर में दिख रही है। तो साफ तौर पर इस मंदिर को बहुत ही बेहतर और बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है और पूरी कोशिश की गई है कि कहीं ना कहीं जो प्राचीन लुक है, जो प्राचीन दृश्य है, उस मंदिर को देने की जो कोशिश है वो पूरी की पूरी की गई है। इसके अलावा मैं उन प्रतिमाओं को भी दिखाना चाहूँगा जो कि नौ ग्रह हैं और इन ग्रहों का भी आपसे थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास किया। और साफ तौर पर जब उन्होंने इन नौ ग्रहों का शिलान्यास किया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया कि कोई भी ग्रह खुद को नहीं देख रहा है और इसकी भव्यता भी साफ तौर पर दिखाई देती है। और इसके अलावा अगर हम मंदिर के अन्य हिस्सों की बात करें तो लगातार यहाँ से जो प्रतिमाएं हैं इस पूरे मंदिर में ये बनी हुई हैं। इस वक्त ये देखिए सामने शंकर जी की प्रतिमा, शिवलिंग सामने की तरफ, शंकर पार्वती की प्रतिमा है, नंदी महाराज बैठे हुए हैं, गणेश जी बैठे हुए हैं। और नवाबों के समय से इस मंदिर को नवाबों के समय ये मंदिर बना था, लेकिन उसके बाद से जीर्णोद्धार की अगर बात करी जाए तो जीर्णोद्धार कहीं ना कहीं इस मंदिर का नहीं हो पाया था, लेकिन अब इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक और भव्य मंदिर जो है हनुमान जी का वो दिख सकता है। क्योंकि इसके पहले अगर हम देखें तो पुराना अलीगंज का मंदिर हनुमान जी का है, इसके अलावा हनुमान सेतु मंदिर है जहाँ पर लोग बड़े पैमाने पर दर्शन पूजन करने आते हैं। और अब ये गोमती तट का अगर हम आपको रास्ता दिखाएं, ये देखिए बगल में बिल्कुल गोमती तट है, 108 फीट की जो प्रतिमा है वो यहीं पर लगेगी। उसका भी जो शिलान्यास है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले किया गया है। गोमती के किनारे वो 108 फीट की प्रतिमा जो है वो लगेगी। और इसके अलावा यहाँ पर आरती और भजन के लिए भी जो तट हैं वो बनाए गए हैं और कोशिश है कि इस मंदिर की जो भव्यता है उस भव्यता को और बेहतर और अच्छा करने का प्रयास जो है वो सरकार की तरफ से पहले से भी था और आज उसका जो कायाकल्प है वो हुआ है। जी नितिन, जिस तरह से इस मंदिर की हमने भव्यता देखी और अगर बात करें शाम की तो शाम में जो यहाँ पे लाइटिंग लगाई गई है इससे लोगों को काफी आकर्षित किया जा रहा है क्योंकि नदी के किनारे गोमती के किनारे तट होने की वजह से ये काफी आकर्षक नजर आ रहा है। गोमती के पार से भी इसका भव्य नजारा नजर आता है, इसके बारे में भी जानकारी चाहिए। जो लाइटिंग यहाँ पे लगाई गई है, पूरी लाइटों की व्यवस्था करी गई है, कितना आकर्षक बनाती मंदिर को? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर किसी भी मंदिर या किसी भी इमारत को अगर सजाया जा सकता है तो कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो होता है वो लाइट्स का होता है। और यहाँ की अगर इस मंदिर की लाइटिंग की बात करी जाए
क्योंकि इस वक्त हम मंदिर के एक एक कोने का जो दर्शन है वो आपको शिखा करवा रहे हैं। प्राइम टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो इस मंदिर की। देखिए सामने की तरफ देखिए, शंकर जी की प्रतिमा, नदी गोमती नदी, उसके पहले जो तट बनाए गए हैं शंकर जी की प्रतिमा है, यहीं पर शाम की आरतियां होंगी, भजन होगा। और आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर जो लाइट की व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। ये लेजर लाइट्स हैं, इन लेजर लाइट्स का शाम के समय पे एक अलग ही नज़ारा होता है। सबको पता है उत्तर प्रदेश में राजधानी में बनारस की हमने दृश्य देखे हैं, राजधानी लखनऊ में कई सारे ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिसके दृश्य देखे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ प्राइम टीवी पर आप देख रही हैं जी। तो कहीं ना कहीं बनारस की तर्ज पर इस मंदिर को भव्यता देने का प्रयास किया गया है नितिन। और अगर बात करी जाए यहाँ पे प्रतिमाओं की और इसके प्राचीनता की, तो कितने साल पुराना बताया जा रहा है ये मंदिर, और इसमें जो मूर्तियां हैं लगभग कितनी मूर्तियां बताई जा रही हैं यहाँ पे? देखिए नवाबों के समय का ये मंदिर था, ये मंदिर नवाबों के समय था, काफ़ी पुराना मंदिर है। और अगर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये देखिए ये जो पुरानी ईंट है वो भी यहाँ पर लगी हुई हैं। तो इससे साफ सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं ये मंदिर काफ़ी पुराना रहा है। और अब इसका जो जीर्णोद्धार है वो जीर्णोद्धार किया गया है, इसका जो कायाकल्प है वो किया गया है इस मंदिर का। इसके अलावा भी मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो लगातार मंदिर के अंदर जो पूजा अर्चना का काम है वो इस वक्त चल रहा है, और पूरी प्रयास है इस मंदिर की जो भव्यता है उस भव्यता को और बेहतर कैसे किया जाए। सामने देखिए ये प्रतिमाएं, अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी प्रतिमाओं का जो पूजन अर्चन है पूजन को दिखाना चाहूंगा, क्योंकि किस तरह से पूरे जो दरवाजे हैं उन दरवाजों पर उसको किया जा सकता है तरफ से, सरकार की तरफ से। और उदय सिन्हा जिन्होंने इस कार्यक्रम और इस पूरे मंदिर को डिजाइन किया है उनकी तरफ से किया गया है। जी नितिन, मंदिर के बारे में तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बातें की हैं, क्योंकि सभी को पता है कि उनकी कितनी आस्था रहती है मंदिर में, पूजा अर्चना में, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ गोमती को स्वच्छ बनाने को लेकर भी कई बातें कही हैं। जिस तरह से गोमती के सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है, और सीएम ने आज जो बातें कही उनके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। देखिए गोमती को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी सजग रहे हैं, उन्होंने कहा है कि नदियों को साफ करना हमारा संकल्प रहा है। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में कई सारे जो बड़े कार्यक्रम हैं गोमती की सफाई को लेकर के, गंगा की सफाई को लेकर के, यमुना की सफाई को लेकर के चलते रहे हैं। गोमती की सफाई को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोमती के किनारे इतना भव्य मंदिर जो बना है उसकी शोभा देखते ही बन रही है। और साफ तौर पर उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि अगर गोमती साफ रहेगी तो जाहिर सी बात है जो हमारा जो वातावरण है वो साफ रहेगा। उन्होंने कहा कि बहुत सालों पहले जब किसी वामपंथी से पूछा गया था कि भारत में मंदिरों को आप किस नज़र से देखते हैं, तो उस वामपंथी व्यक्ति ने इस बात को कहा था कि अगर मैं किसी और देश की बात करूं तो मैं कुछ और कहूंगा, लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में कहीं ना कहीं मंदिरों से अनेकता में एकता का दृश्य जो है वो झलकता है। और उसी का ही जो सौंदर्यीकरण है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी टीम की तरफ से आज इस हनुमान धाम मंदिर का किया गया है। जो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमान मंदिर से 108 फीट की हनुमान प्रतिमा का अनावरण किया है और हनुमान धाम में पूजा अर्चना करी है। साथ ही साथ उन्होंने मंदिर के महत्व के बारे में भी कई बातें कहीं, साथ ही साथ गोमती की सफाई सौंदर्यीकरण के बारे में भी लोगों को जागरूक किया और कहा कि हमें गोमती को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। तो हमारे देवस्थल हमारी श्रद्धा का केंद्र बिंदु होते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपने संबोधन के दौरान कहा। धर्म के मार्ग पर राजनीति नहीं होती, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को भी दोहराया। हमने महामारी से बचाया है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने महामारी का जिक्र भी किया आज अपने संबोधन के दौरान। मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे, साधु संतों का धन्यवाद किया है और मंदिर के मुख्य पुजारी का भी धन्यवाद करते हुए उन्होंने कई बातें कही। आज हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा अर्चना की गई, कई मूर्तियां स्थापित भी की गई हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।